नाश्ता है पूरी, आलू गोभी की सब्जी और आलू मटर। बदमाशी चल रहा है, साथ साथ खा भी रही है। इसके लिए दलिया आने वाला है। बेबी है, बेबी बेबी बेटो, खाना मत छुओ मेरा, खाना मत छुओ, खाना मत छुओ, गंदा बच्चा। गंदू बच्चा, गंदू बच्चा, टकलू बच्चा, देखो देखो। समझ भी जाती। अरे देखो बेटा, देखो गुड्डा, ए गुड्डा, बदमाश गुड्डा। लो लो, कच्चा सब्जी खाना है तुमको। अरे बदमाश, तुम सब्जी फेंक रही है। अरे बाप ले बाप, अब तो अच्छा से फेंक दी। टेस्ट लग रहा है बाबू। हाँ, और ये मेरा गुड्डा रेडी हो गई है नहा के। बेटा खड़े हो जाओ, तो खड़े होकर ड्रेस दिखा दो अपना। बेटू टांग मत दिखाओ, ड्रेस दिखाओ ना। सोना, ए सोना, सोना बेटा, ए लड्डू गोपाल बेटा, अपना प्यारा प्यारा चेहरा दिखा दो, दिखा दो। ओले बाप ले, ओले सोना बेटा मेरा, सबसे प्यारा कौन है? गुड्डा, मेरी गुड्डा। अभी हम लोग मानसी के घर जा रहे हैं, मामा आधा दूर छोड़ने आए हैं और आज दूर से मानसी ले लेगी मेरी फ्रेंड। अभी मिठाई ले रहे हैं हम लोग। बॉयज स्कूल के पास बोले बाबू, बाय कर दो नाना को, बाय कर दो। चलो आज माछी के घर जा रहे हम लोग, है ना गुड्डा? हम लोग माछी के घर जा रहे हैं बेटा, माछी के घर जा रहे हैं। कैसा लग रहा तुमको बताओ, क्या अच्छा लग रहा है? ए गुड्डा बहुत एक्साइटेड। हाँ बहुत एक्साइटेड है ना गुड्डा, पहला बार मासी के घर जा रही है। शादी के बाद हम भी जा रहे हैं, बिना आयुष का। हाँ बिना आयुष का। हाँ माछी का ऑफिस है, अभी माछी यहीं से निकल के आई है तुमको लेने के लिए। चलो वहाँ जाने से ना बहुत कोई मिलेगा तुमको, मोछा जी भी मिलेंगे। हाँ मोछा जी मिलेंगे। हाँ एक छोटा सा दोस्त भी है, एक छोटा सा दोस्त है, डॉगी डॉगी, छोटा छोटा डॉगी, छोटा ही बड़ा है डॉगी तो जितना होता है वैसी है। हाँ नहीं, और एक छोटा सा तुमको बहन मिलेगी, है ना? मानसी घर जाते टाइम एक बहुत सुंदर तालाब है पूरा। हाँ इधर से जौचंडी पहाड़ दिख रहा है दूर में, और पूरा मतलब इधर ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा माहौल है, एकदम शांत। थोड़ा सा साइड में पड़ता है इसलिए और भी मतलब बहुत ज्यादा इधर शांत माहौल है, एकदम अलग, हल्ला नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। हम लोग घर पहुँच गए हैं मानसी का, देखो देखो टॉमी है, क्या नाम है? जैकी है, जैकी। मानसी इसको बस दूर रखना, हमसे हमको बहुत डर लगता है मानसी। नहीं 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 नहीं, देखो तो हम छोटा बाबू, एक छोटा सा बाबू। हाँ बोले, क्लैप करो क्लैप करो, वो देखते बच्चे ना ऊपर थे क्या बाबू। ओले बाप ले, देखो तो, देखो देखो छोटी बहन है। हाँ ये दीदी है, ये छोटी बहन है। बोले और अभी आए हम लोग मानसी के रूम में बैठे हैं, और अभी मासी इसके लिए खाना लेके आ रही है ना। मासी खाना लेके आ रही, भूख लगा बेटा को। पकड़ पकड़ पकड़
जानती है मिठाई नहीं खाते, समझी? मिठाई नहीं खाती है तो क्या है, स्पेशल मिठाई है। देख स्पेशल तेरे लिए है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल मिठाई कभी नहीं होता। एक ले ले तो चल, एक नहीं तेरा इज्जत रख ले, भाग भाग चल। ज्यादा नहीं दे, चार ना मेरे बाबू खाएगी ना हम खाएंगे, हम लोग तेरा क्या बोलेगा अभी तक भैया, चल खा। जीजा बोल ना, जीजा एक खा रहे वही बहुत, समझी? हाँ चल भाग भाग भाग, ना 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 और पॉसिबल ते खा ले, मेरा भाना तेरे को तीन ठो मिलेगा, तो मिठाई का कीड़ा है, खा ले थोड़ा सा खा लो गुड्डा। ओले बापले, उलट गया उलट गया, सोना नहीं खाएगा लो। मिठाई तो है, अच्छा नहीं खाना है, इसलिए स्पेशल मिठाई लेके आई है। उसको अच्छे से पता है कि मिठाई खाते नहीं है फिर भी, लेकिन वो पूरा मिठाई का कीड़ा है, उसको आप 10 मिठाई दीजिए तो 10 खत्म कर देगी। देखो माछी खाना लाई है ना, कितना प्यार से खिला रही बेटू को, कितना प्यार से खिला रही मेरा गुड्डा को, खा लो। उसको क्लिप चाहिए, उसका खिलौना ये सभी है, खा लो खा लो खा लो, खाना खा लो। ओ ले बाप ले, खा लो। हाँ गुड गर्ल ना, सारा खाना सजा के दी है। क्या क्या है बोल, बता क्या क्या है, सबको बता बोल, हमको समझ नहीं आ रहा। तुमको समझ में नहीं आ रहा ये चावल है, ये क्या है, ये हो गया मिक्स वेज, लेकिन अगर खराब भी होगा तो भी तुम नहीं बोलेगी खराब, क्योंकि ये अपना हाथ से बना है, पहला बार तेरे लिए बना है। चल बहुत अच्छा बात है, लेकिन बात है कि थोड़ा जल गया ना। कोई बात है, ते बनाई यही काफी है, बनाती नहीं ना। जल गया, ये क्या है, माइंड मत करना। हो गया तेरा मशरूम का सब्जी, और ये आलू का भुजिया, बैगन फ्राई, ये पापड़ फ्राई, ये पनीर, और ये दही दाल, इतना कुछ तुम क्या बनाई, सिर्फ ये मिक्स वेज ना, और बाकी सब मम्मी बनाई है। एक बनाई वही काफी है रे, डेढ़ घंटा एक मिक्स वेज बनाने में, डेढ़ घंटा, शर्म कर। और गुड्डा सो गई है, तो हम लोग छत में अभी घूमने आए हैं, और साथ साथ ये कपड़ा भी उठा ले रही है। बारिश बारिश मौसम है, दिन में बारिश हुआ था, अभी हवा चल रहा है, धूप हुआ नहीं है, इसलिए सर कपड़ा ठीक से सूखा नहीं है। ये है इसके छत से आसपास का पूरा सराउंडिंग, और अभी ये ड्यूटी भी जाएगी, 3:30 बज गया, आधा घंटा में जाएगी ना, लंच ब्रेक में आई थी, बस इतना ही मिलना हुआ हम लोग का, संडे बुला रही थी लेकिन हो नहीं पाया मेरा। हाँ ये पेड़ चंदन का पेड़ है, हम जिंदगी में नहीं देखे थे, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। देख कितना मस्त लगता है ना, सुन ना, तो ये देख के एकदम नॉर्मल पेड़ जैसा लग रहा ना, एकदम नॉर्मल लगता, लेकिन चंदन का है समझना मुश्किल है। आता है ना हम लोग घर में, क्या चीज, बीज, बीज सब, हाँ रेड रेड जो बीज है ना, ये वाला रेड रेड ना, तो ये उड़ के आता है फिर, तो ये क्यों, मतलब बीज है तो ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। पेड़ का बीज नहीं होगा, फल है, बहुत बड़ा है तो ना, बहुत बड़ा है। गाछ पौधा लगाई है ये छत में, ये तो लगाई नहीं है, हमको पता है इसका ये सब काम नहीं है लगाना। काम किसका, अभिषेक भैया का, इसका तो थोड़ा सा, और इसका शौक है सोने का, आराम करने का, कामचोर है, कामचोर है ये। लेकिन आज मेरे लिए सब्जी बनाई, हमको बहुत अच्छा लगा, वो अलग बात, थोड़ा सा जला दी। घर में भी एक इसका रूम है, ये अभी यूज नहीं होता उतना ना, स्टोर रूम जैसा रखी है इसको। हाँ नीचे में तो फिर हो ही जाता है, फिर ऊपर रहने का किसी को जरूरत ही नहीं पड़ता है। अरे कपड़ा ना सूख ही नहीं रहा, जल्दी सुखाएगी ना सुबह को तो सूख जाएगा, और ऐसे धूप होता है फिर बारिश हो जाता है, सूखता नहीं, मेरा भी यही प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर मेरे जो काम करती है ना, वो जो मासी है, वो आती है सुबह को झाड़ू पोछा करके, झाड़ू और बर्तन करके जाती है, ठीक है, उसके बाद आती है 11:30 बजे, तब कपड़ा धोती है, तो फिर सूखता नहीं मेरा कपड़ा। मानसी के हस्बैंड है, मतलब मेरे भैया है, अभिषेक भैया, भैया हाय बोलिए। हाय। एकदम लाडला है, हाँ इसको खाना खिलाती है, प्यार करती है, और मेरे को वो डर लगता है, पर चलो देखिए, चलो टाटा टाटा, बाय बाय जैकी, बाय बाय गुड्डा, बाय बाय बोल दो जैकी को, इतना प्यारा है ना। हो गया जाने का टाइम, ज्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि मानसी को फिर से अपना ड्यूटी जाना है, 4 बज गया है, तो कुछ करने का नहीं, आज संडे होता
तो ज्यादा देर तक रुकते, वो भी टाइम दे पाती, लेकिन आज हो ही नहीं पा रहा है। अब जाने का टाइम हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा जाने, फिर भी टाइम बहुत कम मिला। ससुर जी से मिलना नहीं हुआ है तो वही मानसी बुला रही है। समय हम नहीं दिए, नहीं तुम नहीं दी समय। सुना सैटरडे को पार्टी हुआ बाबू का, संडे को बुला रही थी, इतना थके हुए थे, इतना हालत खराब था। मानसी थोड़ा अपने ऑफिस आई है एक पेपर लेने के लिए, उसके बाद हमको अपने घर लेके जाएगी। आगे बढ़ थोड़ा। पहुंच गए अपने घर, बस इतना ही साथ था हम लोग का, है ना। बस उपाय भी नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है यार, जाना ही पड़ेगा। देखो भी बस मानसी जा रही है। बाय बाय बाय। अब कब मिलेंगे मानसी? आसनसोल आना मेरे घर, बस बोल मत आना, भैया भी बोले आएंगे, ठीक है आ जाना। चलो बाय। चल ठीक है, जब तक लेट हो रहा। बाय बाय। कोई इसका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत एंजॉय कीजिएगा, बहुत सुंदर। तो गाइस घर आ चुके हैं और ज़्यादा देर रह नहीं पाए आज, संडे को बुला रही थी, संडे अगर जाते तो ज़्यादा देर रह पाते। कोई बात नहीं, हम बुलाए हैं नेक्स्ट बार कि तुम आना आसनसोल, तो भैया भी बोले आएंगे और वो भी बोली आएगी, क्योंकि अब हम लोग आसनसोल शिफ्ट हो गए तो यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है, तो आराम से आ सकती है। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा होगा? और उसके घर हम आज शादी के पहले गए थे, 4 साल पहले एक बार गए थे इन्विटेशन देने के लिए, तब दिन भर रहे थे, और फिर अभी शादी के 4 साल बाद गए हैं। और ऐसे तो हम लोग का थोड़ा बहुत मिलना जुलना हो जाता है, लेकिन ऐसे रहना नहीं होता है ज़्यादा। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।